अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आज मैंने जो है अपने घर को कुछ डेकोरेट किया रमज़ान के हवाले से। सो सबसे पहले जो है मैंने डब्बा ढूंढा, कोई भी ऐसा कार्टन लेने जो आप आराम से इजीली उसको खोल के कटिंग कर सकें। सो उसके ऊपर आप सबसे पहले रमज़ान मुबारक लिखें और उसके ऊपर जो है जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप कलर जो है उसके ऊपर कर दें। यहाँ पर जो है परीसा मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रही है कलर करने में मेरे साथ। और फिर हमने ऐसे ही सेम कुछ मून कट्स कर लिए हैं जिस पे के अबीरा जो है वो गोल्डन कलर कर रही है। फिर हमने थोड़ी सी फॉर्मिक शीट लेकर हमने सोचा थोड़ी सी लैंटर्न वगैरह भी बना ली जाए। इन सब की मेकिंग जो है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जो है उस पे शॉर्ट्स में सब मिल जाएंगी। मैं एक एक करके हर चीज़ के शॉर्ट्स डाल दूँगी। सो आप उस पर जो है आराम से देखकर आप लोग घर पे ख़ुद भी बना सकते हैं। इसमें ज़ाहिर वीडियो ज़रा बड़ी हो जाती तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग को दिखा दी हूँ। पहले मैंने सोचा कि ये मैं मार्केट से परचेज़ कर लेती हूँ सारी चीज़ें और फिर मैं इसको सिंपल सा डेकोरेट कर दूँगी। मगर जब मैं लेने के लिए गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सब चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। इससे बेहतर है कि आप कुछ पेपर एंड फॉर्मिक शीट्स वगैरह ले लें या घर से ही कोई चीज़ जो आपके पास हो अवेलेबल उससे कुछ क्राफ्ट करके आप लोग ऐसे बना लें। इसीलिए मैंने सोचा कि इसमें जो है एक वीडियो बनानी चाहिए ज़रूर। और जो है बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है ये कि वो बिज़ी भी हो जाते हैं आपके साथ और उनको जो है एक एक्टिविटी भी मिल जाती है। यहाँ पर जो है मैंने एक कार्ड शीट ले ली थी गोल्डन कलर की, उसके ऊपर मैंने एक मून कट किया है और फिर ऐसी छोटी सी एक मस्जिद से बना कर इसके ऊपर पेस्ट कर दी है और साथ में एक स्टार को हैंग कर दिया। और ये सिंपल सा एक जो है मून हैंगिंग आपके पास जो है रेडी हो गई। आप लोग सिर्फ इसको भी बना कर दो तीन जैसे आप ये बना लें और हर दरवाज़े को ऊपर इसको हैंग कर दें तो ये भी अच्छी एक रमज़ान के हवाले से डेकोरेशन हो जाएगी। फिर यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो बनाई थी उनको एक धागे के अंदर मर्ज कर दिया सबको और जो है इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें जो हैं कलेक्ट्स करके अपनी एक तरफ रख ली कि मैं कैसे इनको हैंग करूँगी। और जी यहाँ पर जो है सारे मैंने यहाँ पर सब जमा करके और यहाँ पर हैंग करना शुरू कर दिया। मुझे थोड़ा सा हुआ कि मुझे ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना चाहिए था क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई ख़ास दीवार नहीं थी तो मैंने विंडो पर इनको हैंग किया। भी आप लोग डेकोरेशन के लिए कोई क्राफ्ट सोचें करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि आपको वो चीज़ कहाँ लगानी है। सो उससे आप लोग को कलर कॉम्बिनेशन की बहुत आसानी हो जाएगी कि बैकग्राउंड आपका कैसा है। सो चलिए जी ये देखें मेरी फाइनल लुक डेकोरेशन की और आखिर में सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।